Hello everyone, welcome again in business study class. In today's class we will discuss an interesting and important topic of business, that is leadership and these styles of leaders. Everyone know that the leader, हम मोदी को लीडर के नाम पे सभी लोग किसके बारे में जानते हैं, जैसे आपके मोदी हैं बेटा, आपके जो भी पॉपुलर हैं, जैसे आपने कहा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, हमें राहुल गांधी, ये जो है हम इनको किसने से जानते हैं बेटा, हमारे लीडर से। लेकिन लीडर सिर्फ ये नहीं होते जो हम अपनी जो लाइफ में, करंट की लाइफ में जिनको हम क्या मानते हैं बेटा, जो पॉलिटिक्स जो आपके इशूज़ में डील करते हैं। लीडर्स कौन हैं? वैसे एक प्रॉपर डेफिनेशन की जो लीडर की है, हम बिजनेस स्टडी में उसके बारे में जानेंगे। हु आर लीडर्स, लीडर कौन है, हम लीडर का मतलब कौन होता है बेटा, हु लीड दैम, लीडर का मीनिंग क्या है, दैट पर्सन हु लीडर्स, जो हमें लीड करता है वो कौन होता है बेटा, हमारा लीडर वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि पॉलिटिकल इश्यूज़ में ही हमारे साथ हम उसके को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। हम किसी को भी जो आइडियल हम मानते हैं, जो हमें लीड कर रहा है, जो हमें आगे रह के हमें गाइड करता है, हमें वे रास्ता दिखाता है बेटा, वो लीडर है, ठीक है। इन बिज़नेस के अंदर बेटा आपने काफ़ी बड़े बड़े आपके जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं बेटा, उनके नाम, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो, जैसे ही हमारे पास क्या रिलायंस का नाम आता, धीरू भाई अंबानी, ही इज़ अ वेरी फेमस लीडर। इसी तरीके से बेटा आपके टाटा का नाम आता है, हम जो कहते हैं JRD टाटा, यानी दोज पर्सन जिन्होंने मार्केट में एज ए लीडर अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट क्या बेटा, रेपुटेशन बनाई है। हम उनको देखे क्या कर रहे हैं, अपने आप को उनको अपना आइडियल मान के उनके गाइडलाइंस पे, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। हमें लगता है कि जो उन्होंने जो रास्ता दिखाया, वो उन्होंने जो क्या अपना जो लाइफ के लिए बेटा, जो हमें इंस्पिरेशन, जो मोटिवेशन मिलता है, वो कौन है बेटा, लीडर। इट मीन्स ओवरऑल अगर हम बात करें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, हु आर लीडर बेटा, दोज पर्सन हु लीड अस। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप क्या है? लीडर तो मैंने बताया कि पर्सन के लिए यूज होता है, लीडरशिप किसके लिए यूज होता है बेटा, इट इज यूज फॉर प्रोसेस। लीडरशिप किसके लिए यूज होगा, प्रोसेस के लिए। लीडरशिप इज ए प्रोसेस इन विच वी इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, जिसके अंदर क्या करते हैं लीडरशिप के अंदर बेटा, लीडरशिप में दूसरों को हम क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित करते हैं, हम उनकी बिहेवियर को चेंज करते हैं, दे ऑटोमेटिकली हमारे पीछे आते हैं, हमें क्या करते हैं बेटा, फॉलो करते हैं। लीडरशिप में प्रोसेस में हम क्या बनाते हैं, हम हमारे नीचे जो काम करें उनको हम सबॉर्डिनेट्स, या हम ये नहीं कहते भी एजेंट या प्रिंसिपल का रिलेशन नहीं होता, यहाँ रिलेशन क्या है, लीडर एंड फॉलोअर्स, जो हमें फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर लीडरशिप का मीनिंग क्या बेटा, दैट इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर इन विच मैनर, इन सच ए मैनर दैट दे स्टार्ट यूजिंग देयर कैपेबिलिटी टू अटेन द गोल, यानी हमें देख के वो क्या करें, अपनी कैपेबिलिटी को यूज़ करें जो कलेक्टिव गोल को अचीव करने के लिए, यानी हम अपने काम से, अपने गाइडेंस से, अपने इंस्पिरेशन से दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो हम जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं बेटा, वो हमें फॉलो करके हमारे उस गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करें, दैट दिस इज़ कॉल्ड बेटा लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या है, इस डेफिनेशन से बेटा कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक कौन से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहला हमारा बेटा इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। लीडरशिप कौन सी प्रोसेस है, इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस, यानी जो दूसरों को क्या करती है बेटा, इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करती है, यानी ये क्या करती है बेटा, इट इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब इंस्पायर दैन बेटा। ये कौन सी प्रोसेस है, बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच का मतलब क्या है, इन लीडरशिप वी चेंज द बिहेवियर ऑफ फॉलोअर्स। किसका चेंज करते हो बेटा, बिहेवियर जो आपके फॉलोअर्स हैं, उनके जो बिहेवियर है उनको कैसे चेंज करते हो, बाय गिविंग मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। अगर वो नेगेटिव है तो वी कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव मैनर। तो ये हमारी कौन सी प्रोसेस है बेटा, बिहेवियरल अप्रोच है, बिहेवियरल प्रोसेस है, जो डायरेक्टली जो हम इन्फ्लुएंस क्या कर रहे हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो हमारी कहीं भी बातों को क्या करें, फॉलो करें। देन बेटा थर्ड क्या कहता है, इसमें जो लीडर और फॉलोअर के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है बेटा, इंटरलिंक। इंटरलिंक रिलेशन में इसमें हम कैसे, इंटरपर्सनल रिलेशन में कैसे करते हैं, विदाउट
फॉलोअर कोई लीडर है ही नहीं। यानी फॉर लीडरशिप के लिए वी नीड फॉलोअर्स जो हमें फॉलो करें। सेम ऐसे विदाउट लीडर फॉलोअर्स का कोई मीनिंग नहीं है। सेम बेटा विदाउट आपके क्या फॉलोअर्स लीडर नहीं है। सेम ऐसे विदाउट लीडर फॉलोअर्स का कोई मीनिंग नहीं है। यानी बोथ आर इंटरपर्सनल रिलेशन, बोथ आर इंटरलिंक, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, बोथ आर हैविंग इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस इन दिस प्रोसेस। देन बेटा ये लीडरशिप के क्यों हम इस प्रोसेस को बिहेवियर अप्रोच बोल रहे हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू अचीविंग कॉमन गोल। हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन गोल को अचीव करेंगे। यानी वी चेंज द बिहेवियर टू अचीव द कलेक्टिव गोल। इसमें उनको कॉमन गोल को, यानी हम क्या करते हैं बेटा, इसमें जितने भी आप काम कर रहे हो, वी हम किस चीज़ को बेटा फॉलो कर रहे हैं, हम अपने कॉमन गोल को अचीव करें। यानी ये हमारी क्या बेटा फीचर्स, यानी और जितने भी आप काम कर रहे हो, जितना भी उनको इन्फ्लुएंस किसके लिए कर रहे हो, अपने कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। देन जब आपके लाइक ऑल अदर बेटा आपके फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, सेम वे मैनेजमेंट इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस, यानी कि आपका जो ये लीडरशिप है, जैसे मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, लीडर्स भी, ये नहीं कि एक बार अपनी छवि बना दी फॉलोअर्स उसके पीछे लगे रहेंगे। लीडर्स भी आपके कंटिन्यूस वर्क करते हैं फॉर इन्फ्लुएंसिंग द फॉलोअर्स। फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए बेटा वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, कंटिन्यूसली आपको गाइड और इंस्पायर करते हैं। नाउ इस लीडरशिप की जो आपने जो टॉपिक किया बेटा, किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, किसी को फॉलोअर्स बनाने के लिए बेटा, हमारे पास बिजनेस के अंदर देर आर थ्री टाइप ऑफ लीडर स्टाइल्स आर इन्वॉल्व, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीडरशिप स्टाइल। यानी आप मार्केट के अंदर, बिजनेस के अंदर, आपके अंदर पॉलिटिकल जो हमारे एस्पेक्ट्स के अंदर जो लीडर देखते हो वो अलग अलग स्टाइल्स के होते हैं। तो उन्हीं स्टाइल्स को आपको हमने क्या कर दिया, तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। यानी ऑल टाइप ऑफ लीडर्स वी कैटेगराइज इनटू थ्री वे। कौन से थ्री वे, सबसे पहला स्टाइल ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। फर्स्ट स्टाइल ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, आपने इस फिगर्स में ही देख के लग रहा है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या है, यहाँ मैंने इस फिगर में क्या लिखा है, ये लीडर है और यहाँ क्या है बेटा, इसके सारे फॉलोअर्स हैं। तो इसको इस प्रोसेस से ऑटोक्रेटिक का मतलब था लीडर सेंटर, दिस इज कॉल्ड लीडर सेंटर स्टाइल। या फिर हम कह सकते बेटा सेंट्रलाइज, इसके फीचर्स ही है बेटा आपके, ये कौन सी आपके स्टाइल है बेटा, लीडर सेंटर। या फिर बोल सकते इसमें जो प्रोसेस, जो पावर है बेटा वो कैसी होती है, सेंट्रलाइज पावर। सेंट्रलाइज पावर का मतलब क्या है, लीडर अपने पास रखता है सारी अथॉरिटी एंड पावर। ही गाइड एंड ही गिव इंस्ट्रक्शन टू गिव गो टू, मतलब बेटा किसी के लिए टू डू द वर्क एंड टू फॉलो द समथिंग। यानी जो भी काम करना है ये सिर्फ उसको फॉलो करते हैं, दे आर नॉट टेकिंग एनी टाइप ऑफ डिसीजन। लीडर आर हैविंग ऑल पावर एंड डिसीजन, वो अपने एम्प्लॉयज़ को कोई भी पावर एंड अथॉरिटी शेयर डेलीगेट नहीं करता। एक तरीके से इसको याद करने का तरीका है बेटा हिटलर स्टाइल, आँख बंद करके फॉलो करो, ये किसी को भी अपने डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं करता। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लीडर सेंट्रल स्टाइल। सेंट्रलाइज पावर, नहीं पावर एक के हाथ में है, सिंगल हैंड पावर, नहीं सिंगल हैंड। इसके फीचर्स में क्या क्या बताता है, इसको एक फीचर और क्या लिख सकते हो, सिंगल मैन हैंडेड पावर। इसके यानी ओनली, इसमें जो प्रोसेस है बेटा कैसे होती है, डाउनवर्ड। आपकी जो इसकी क्या बेटा लीडरशिप की जो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस वो डाउनवर्ड है, अपवर्ड होती नहीं, क्योंकि ये कोई भी डायरेक्शन या कोई भी गाइडेंस ये एक दूसरे से डिस्कस ही नहीं करते। ही गिव ओनली ऑर्डर एंड दे आर फॉलोइंग, ये फॉलो कर रहे हैं और ये ऑर्डर दे रहा है, इसमें इनका कोई भी डिसीजन में रोल नहीं होता। इससे कुछ बेनिफिट्स भी है बेटा और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस में। बेनिफिट एक तो ये है बेटा, क्विक डिसीजन हो जाता है, बिकॉज ही इज़ नॉट डिस्कसिंग विद एनीवन, किसी से डिस्कस नहीं करता, ठीक है। ये कहाँ एप्लीकेबल होता है बेटा, जहाँ लेस एजुकेटेड पर्सन है, क्योंकि पता है, क्योंकि वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते डिसीजन मेकिंग में। दैट्स वाई ये किसके लिए ज़्यादा सुटेबल बेटा, आपके जो लेस एजुकेटेड है बेटा, यानी क्विक डिसीजन ले सकते हैं आपका लेस एजुकेटेड है, फर्स्ट वन देन सेकंड वन। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं बेटा, आपका इसमें क्या है, हाई, यानी आपका ये जो आपका
एफिशिएंसी और काम को जल्दी कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करता है। डिसएडवांटेज सबसे पहले तो क्या बेटा, इसमें हम अपने एम्प्लॉयज पे बिलीव नहीं करते, किसी पे बिलीव ही नहीं करेंगे, इसलिए तो हम किसी पे क्या नहीं करें बेटा, हम किसी को पावर कर दे ही नहीं रहे। दूसरा आपका क्या बेटा, इसमें आपके एम्प्लॉय मोटिवेशन भी नहीं होगा, मोटिवेशन ख़त्म हो गया आपका। तीसरी क्या चीज़ है, इसमें पार्शियलिटी पॉसिबल है, पार्शियलिटी पॉसिबल है, यानी कुछ फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या है, क्विक डिसीजन है, लेस एजुकेटेड के लिए अप्लीकेबल हो सकता है बेटा आपका, ठीक है। आपकी इसमें हाई जो मतलब क्या है, रेट ऑफ जॉब ना काम करने की जो है वो ज़्यादा तेज़ी से होती है। देन बेटा बिलीफ ख़त्म हो जाता है अपने एम्प्लॉयज़ पे, क्योंकि आप बिलीव ही नहीं कर रहे हो। देन सेकेंड मोटिवेशन नहीं है बेटा, और इसके अलावा पार्शियलिटी भी पॉसिबल है। ये क्या है बेटा, ऑटोक्रेटिक स्टाइल, लीडर सेंटर स्टाइल। अब दूसरा जो स्टाइल है बेटा वो क्या है आपका, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। जैसे हमारा हमारी जो कंट्री, डेमो मीन्स क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री हमारे क्या है, लोकतंत्र, लोगों का राज। सेम ऐसे ही बेटा डेमोक्रेटिक स्टाइल का मतलब ही क्या है, इसे हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, ग्रुप सेंटर्ड। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ये कौन सा स्टाइल था, लीडर सेंटर्ड, ये कौन सा है, ग्रुप सेंटर, एम्प्लॉय सेंटर। एम्प्लॉय सेंटर का मतलब, यहाँ आपने देखा होगा बेटा, इस में यहाँ लीडर है और लीडर अपने सभी एम्प्लॉय से डायरेक्शन दे भी रहा है, उनसे व्यूज ले भी रहा है, यानी लीडर कनेक्ट टू एवरीवन, यहाँ दो सभी से कनेक्ट होता है, यानी सभी से अपने व्यूज शेयर करता है। व्हेन ही और शी इज टेकिंग सम डिसीजन, तो ही क्या हो गया कहता बेटा, ही शुड डिस्कस एवरीवन, मीटिंग बुला के सभी से डिस्कस करता है, और जो भी उसे ऑप्टिमम डिसीजन लेता है वो उस डिसीजन को देता है, इसलिए इसे बोलते हैं बेटा ग्रुप सेंटर का मतलब है सभी लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, ही शेयरिंग द पावर ऑफ देयर एम्प्लॉयज। इसलिए इसमें डिसेंट्रलाइजेशन, इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं बेटा, एक तो ग्रुप सेंटर्ड है, एम्प्लॉय सेंटर्ड है, दूसरा इसमें क्या हो सकता है बेटा आपका, इसमें हम क्या कर सकते हैं बेटा आपका, ओपन कम्युनिकेशन है। जैसे मैंने इसमें कौन सा कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड, सिर्फ ये प्रोसेस है, लेकिन यहाँ क्या है बेटा, ये ओपन कम्युनिकेशन, एवरी वन कैन टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बेटा इसमें क्या है आपका, इसमें जो पावर है कैसी बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसमें क्या बेटा, फिर एडवांटेज क्या हो सकती है इसकी, पहली है बेटा आपकी एडवांटेजेस, इसमें जो मोरले है ना, मोरले का मतलब यहाँ पे मोटिवेशन है, वो हाई मोरले क्रिएट होता है, क्योंकि जब हम एम्प्लॉयज़ को डिसीजन में शामिल करते हैं तो अब वो मोटिवेट होते हैं काम को करने के लिए, दे गिव देयर आइडियाज, दे गिव देयर व्यूज़ अपने। देन सेकंड वन क्या हो सकता है बेटा आपका, इसके अंदर जो मैनेजमेंट एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी है वो मोर क्रिएट होती है, यानी वो हमारी जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी बेटा, ज़्यादा हो जाएगी। और इसके अलावा हम तीसरी एडवांटेज में क्या लिख सकते हैं बेटा आपका, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, न्यू इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज़ मिलते हैं, क्रिएटिव वर्क होता है, क्योंकि सभी मिलके जो डिसीजन लेंगे वो एक व्यक्ति के माइंड में कभी नहीं आ सकता, तो कैसा वर्क होगा बेटा, कंस्ट्रक्टिव वर्क। अब इसके जैसे इसके कुछ नुकसान है बेटा, इसके भी डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है बेटा, जो इसका एडवांटेज है, क्विक डिसीजन, इसमें डिले डिसीजन, क्योंकि जब सबसे डिस्कस करते हो तो डिसीजन लेने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो पहली डिसएडवांटेज क्या बेटा, डिले डिसीजन। सेकंड डिसएडवांटेज क्या बेटा आपका, ये आपके ये जो स्टाइल है बेटा, डिस्कशन तो तभी करोगे ना जब आपके पास कैसे एम्प्लॉयज हैं, एजुकेटेड एम्प्लॉय हैं। दिस स्टाइल इज ओनली फॉर एजुकेटेड एम्प्लॉयज, लेस एजुकेटेड में ये स्टाइल काम नहीं करता। तो हमने दो स्टाइल कंप्लीट कर लिए, एट ऑटोक्रेटिक लीडर सेंटर, डेमोक्रेटिक ग्रुप सेंटर, इसमें डिस्कशन के बाद डिसीजन होता है, इसमें सिर्फ ऑर्डर दिया जाता है। नाउ लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टाइल, दैट इज लेजी फेयर, लेजी फेयर भी बोल सकते हैं, एंड फ्री रेन स्टाइल, फ्री रून स्टाइल, लेजी फेयर एंड फ्री रून स्टाइल। ये जो स्टाइल है, जैसे कहना फ्री रून, इट मींस क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको देखेंगे डायग्राम के थ्रू, लीडर बिल्कुल अलग है, दे उसने यहाँ लीडर अपने एम्प्लॉयज पे इतना बिलीव कर रहा है, उसने फ्री छोड़ दिया, यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। यहाँ इन दोनों से ही हाई जो आपका है, यानी यहाँ पे लीडर इन्वॉल्व होता है एम्प्लॉयज़ के पास, यहाँ इन्वॉल्व ही नहीं होता, यहाँ लीडर ने सारे काम उस पर छोड़ दिए हैं कि यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। यहाँ जो एम्प्लॉयज़ है बेटा, दे शेयर्स व्यूज़ एंड आइडियाज़ एंड टेक द डिसीजन,
यहाँ इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, उसने फ्री किया हुआ एम्प्लॉयज़ को आपको क्या करने के लिए बेटा, डिसीजन लेने के लिए। अगर इसकी आपकी बात करें, फीचर्स की बात करें, तो फीचर्स में क्या लिखोगे बेटा, वो बहुत ज़्यादा हाई बिलीव कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ पे, ठीक है। इसमें हमने क्या किया बेटा, आपने सेकंड फीचर्स में इसमें क्या लिख सकते हैं बेटा, इसमें आपका डिसेंट्रलाइजेशन पावर, पावर सारी उसने डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, ठीक है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें जो एम्प्लॉयज़ हो कैसे हैं, सेल्फ डायरेक्टेड, कैसे हैं एम्प्लॉयज़ बेटा, सेल्फ डायरेक्ट, खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इसका तो कंट्रोल है ही नहीं। अगर मैं एडवांटेज की बात करूँ, एडवांटेज में पहला एडवांटेज क्या लिख सकते हैं बेटा, इसमें सेल्फ कंट्रोल है, यानी एम्प्लॉयज़ क्या बन जाते हैं बेटा, कैपेबल हो जाते हैं अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद बेटा फर्स्ट ये आपका एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज क्या हो सकता है बेटा, ये आपकी एफिशिएंसी और डिसीजन जो पावर है एम्प्लॉयज़ की वो इंक्रीज कर देता है, यानी हमारी हाई मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। थर्ड वन क्या हो सकता है बेटा, हेल्पफुल इन मोर एजुकेटेड, जो बहुत ज़्यादा हाई एजुकेटेड है उनके लिए हेल्पफुल मेथड है। अब आपका इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं बेटा, डिसएडवांटेज भी बिल्कुल हो सकते हैं, जब आप बिल्कुल फ्री ही तो दोगे बेटा, तो ये क्या है, सबसे पहले तो बेटा डिफिकल्टी इन, या आपका किसी चीज़ का डिफिकल्टी, यानी कैपेबल एम्प्लॉयज़ को, इस तरह इतने कैपेबल एम्प्लॉय कि आपने फ्री छोड़ा हुआ उसको सर्च करने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसका डिफरेंस क्या बेटा आपका, इसमें जो मैनेजर जो पोस्ट है ना उसकी तो इम्पोर्टेंस ख़त्म ही कर दिया आपने, क्योंकि इसके तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो इसका कोई रोल भी नहीं है। तो सेकंड जो आपका डिमेरिट्स है, दैट इज़ नो रोल ऑफ मैनेजर पोस्ट। तो ये आपके तीन मेन स्टाइल हैं। इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं बेटा, आपको किसी भी फॉर्म का, किसी का भी केस दे देंगे किसी कंपनी का, वो जो आपके मैनेजर्स हैं वो जो काम जिस वे में करते हैं, आपसे पूछा जाएगा बेटा विच स्टाइल अडोप्ट बाय द मिस्टर ए इन ए बी सी लिमिटेड कंपनी, विच स्टाइल ऑफ मिस्टर बी इज एम्प्लॉयड बाय द इन ए बी सी लिमिटेड कंपनी, यानी आपको केस यानी कंपनी की सिचुएशन दी जाएगी कि मैनेजर आर वर्किंग इन सच मैनर, और आपसे पूछा है विच टाइप ऑफ स्टाइल इन्वॉल्व। तो इसमें जो क्वेश्चन है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, इन तीनों स्टाइल्स के ऊपर ही बनते हैं। तो तीनों स्टाइल को एक बार दोबारा से, इसमें लीडर सेंटर सारे जो पावर है लीडर के हाथ में, इसमें हम एम्प्लॉय से डिस्कशन करते हैं, पावर सारी नहीं बट ही शेयरिंग द व्यूज़, अपनी पावर को क्या करता है डेलीगेट कर, यहाँ सारी पावर को उसने दे रखा है अपने आप ऑटोमेटिकली, वो सारे खुद काम कर रहे हैं, इसकी इन्वॉल्वमेंट कम होती है। दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट स्टाइल, कंप्लीट दिस वन।